पल की खबर। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर जिले में शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। रजगामार चौकी क्षेत्र में वृहद पैमाने पर कच्ची शराब की अवैध बिक्री कर नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। रजगामार पुलिस ने ग्राम पंचायत कोरकोमा में महुआ शराब की अवैध रूप से बिक्री करने के मामले में 4 कार्रवाइयां की हैं और 25 लीटर से अधिक महुआ शराब की जब्ती बनाई है। पहले मामले में प्यारेलाल चौहान को 7 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरे मामले में कंचराम चौहान को 7.5 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा गया है। तीसरे मामले में रथलाल चौहान को 7 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया है, जबकि चौथे मामले में परदेशी कंवर को 4 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। KSN 24 न्यूज़ के लिए रजगामार से अरुण जांगड़े की रिपोर्ट।